वेलकम बैक टू द रंजीत कुमार शो। रंजीत कुमार शो में हम हमेशा एचआर प्रोफेशनल्स, एचआर प्रैक्टिशनर की बात करते हैं, उनको इस प्रोग्राम में इनवाइट करके हम उनसे सीखते हैं और हमारा मकसद यह है कि आप भी उनसे लर्निंग ले सकें। ट्यून इन टेक की सीरीज पावर्ड बाय टाइम ट्रैक्स में आज हमने जिनको दावत दी है उनका प्रोफाइल, पहले उनको दिखाने से पहले हम बताते हैं उनका प्रोफाइल क्या है। जब मेरी बात हो रही थी टाइम ट्रैक्स के हवाले से कि भाई आज कौन से ऐसे प्रोफाइल आ रहे हैं जिनसे मैं बात करूंगा, तो उन साहब ने कहा कि आपको जो प्रोफाइल आज हम भेज रहे हैं वो है ओशन ऑफ नॉलेज, वेयर हाउस ऑफ स्किल्स एंड लोड्स ऑफ एबिलिटीज व्हेन यू टॉक अबाउट द एचआर। तो जब मैंने इस शो से पहले उनसे बात करना शुरू की तो मुझे लगा कि लोग मुझे कहते हैं मेरी यूएसपी एनर्जी है, लेकिन इनको देख के मुझे लगता है मेरी सेकंड थर्ड में भी नहीं आएगी। फर्दर डिले नहीं करते, हम दावत देते हैं मिस गजाला कंवल, GM HR अलहाज ग्रुप ऑफ कंपनीज प्रोटोन फो एंड ज़ोंगटोंग। ये किसी तारुफ की मोहताज नहीं, जब आप इनको सुनेंगे तो आपको लगेगा हमने बहुत देर से इनको सुना, लेकिन सही वक्त पे हमने इनकी बातें सुनी और लर्निंग देखी। मिस गजाला, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द रंजीत कुमार शो। सबसे पहले बताइए कि आप कैसी हैं और आपको पॉडकास्ट में आते हुए कैसा लग रहा है? I'm good and I'm very excited to come in this podcast. Obviously, जब आप लोगों की तरफ से कॉल आई and I came to know कि आप होस्ट, तो मैंने सोचा why not? I know. आपने तारीफ इतनी कर दी है कि पहले मैं उसको absorb करने की कोशिश कर रही हूँ. So, I'm very excited. I'm good and I am quite sure आज हम जो बात करेंगे बहुत सारे HR professionals के लिए उसमें बहुत सारी knowledgeable phenomena होगा जिसको हम discuss करेंगे. Miss Gazala, मतलब यानी कि एचआर की फील्ड के हवाले से जब मैं आपको देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है द वे यू टॉक, राइट, द वे यू पुट द जेस्टर्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, जो सब चीज़ें ऐसी, मुझे लगता है कि आप किसी न किसी मार्केटियर सेल्स साइड हो। जब आप यानी बड़े बड़े किसी सीईओस को देखेंगे वो अच्छे शायद फाइनेंस मैनेजर ना हो लेकिन अच्छे स्पीकर होते हैं और अच्छी मार्केटिंग सेलिंग स्ट्रेटजीज पर बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है आप वो प्रोफाइल हैं, लेकिन एचआर में कैसे? वेल, सबसे पहले तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एचआर प्रोफेशनल्स को सबसे अच्छा मार्केटर और सेल प्रोफेशनल होना पड़ता है। वाई? बिकॉज यू आर वर्किंग इन द मिडल ऑफ समथिंग जहां आपने एम्प्लॉय के लिए भी बात करनी है, एम्प्लॉयर्स के लिए बात करना है, एम्प्लॉयर को सेल करना है एम्प्लॉय के सामने उसकी पॉलिसीज को, और एम्प्लॉय की नीड्स, वॉन्ट्स एंड रिक्वायरमेंट्स को आपने सेल करना है मैनेजमेंट के सामने। सो यू नीड टू बी इवन बेटर सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल जो आप हार्ड कोर किसी प्रोजेक्ट को बेच रहे हो या किसी टेंजिबल प्रोडक्ट को बेच रहे हो, उससे भी अच्छे सेल प्रोफेशनल आपको चाहिए। तो हमारे एम्प्लॉयज इंटरनल कस्टमर्स तो हैं, तो इंटरनल कस्टमर, अच्छा, लेकिन बिल्ट इन आपके अंदर मार्केटिंग सेल्स टेक्निक्स हैं। आप, मुझे लगता है एचआर से बाय द टाइम 15 इयर्स, बाय द टाइम सेल्स एंड मार्केटिंग की KPIs बनाते बनाते सेल्स एंड मार्केटिंग को हैंडल करते करते वो भी आ गया। बट अगर सिर्फ एचआर की बात करें तो पीपल मैनेजमेंट वॉज माई फोर्टे, मुझे इंटरेस्ट था फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। जब मुझे अपना एजुकेशन के टाइम पे चूज करना था मार्केटिंग, फाइनेंस और जो भी है, हाँ, तो मुझे हमेशा से ही एचआर इंटरेस्ट करता था बिकॉज ऑफ द रीजन रिक्रूटमेंट, इंटरव्यू एंड ऑल दैट, यू नो दैट अथॉरिटी एंड सो एंड सो फोर्थ। बट जब मैंने प्रैक्टिकली इस फील्ड में कदम रखा तो मुझे लगा नो, इट्स नॉट वेरी इजी केक टू इट, इट्स नॉट अ वेरी इजी केक टू इट। By the time मुझे ये realize हुआ कि I need to learn more about human personalities, because when I'm going to interact with human being, I need to learn what, how they behave, what are the personalities who interact in the organization which create group dynamics, right, and which create a wave in the organization to drive strategy. Yeah. So everything is linked with the human personalities. तो मैंने जब psychology की तरफ जाने के बारे में सोचा वो उसी से linked है कि मुझे लगा कि something is gap हमारे HR की field में, particularly जो एजुकेशन एचआर की फील्ड में पाकिस्तान में दी जाती है उसमें कुछ गैप है। तो मैंने फिर साइकोलॉजी पढ़ा, ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी पढ़ा, पर्सनालिटी थ्योरीज पढ़ी, बहुत सारा मॉडल्स एंड बहुत सारे फ्रेमवर्क पे काम किया, उनकी प्रैक्टिकलिटी को समझा, उसमें जो टूल्स यूज होते हैं, तो उसने मुझे और ज़्यादा जो है एक्सेल कर दिया इस फील्ड में कि एचआर में आप किस तरह पर्सनालिटीज के साथ लेके चलते हैं। एंड ऑब्वियसली 15 ईयर्स मार्केटिंग finance was something I was not knack of numbers, lekin by the time now I'm okay with that, right. I'm as good as a finance professional, yeah. So ultimately it become part of mujhe aapki ye line of pursuit of happiness ka dialogue yaad karati hai, wo jo na Will Smith se poochte hain movie, to usme wo kehte hain ki yes Mr. Chris, define yourself, right? So Chris kehta, I'm good with numbers, I'm good with the people. So jo good with the people wala jo concept hai, agar hum usme acche hain हमें और सारी चीजों में एक्सेल करने में बड़ा मजा आता है।
जबरदस्त. सो मिस गजाला, आज का हमारा जो टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे बेसिकली, वो है नेविगेटिंग द डिजिटल लैंडस्केप इन एचआर, ई पर्सनल, ई अटेंडेंस, ई लीव एंड ई पेरोल मैनेजमेंट के हवाले से. ये सब चीजें जो है आपने देखी होंगी, पढ़ी भी होंगी, और 15 साल के जो टेन्योर में आपने एक्सपीरियंस भी की होंगी. मार्केट में इतने सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, लोकल, ग्लोबल, गल्फ कंट्रीज से भी ऑपरेट करती हैं बहुत सारी कंपनीज. आपको टाइम ट्रैक्स ही क्यों पसंद आया और टाइम ट्रैक्स को क्यों आपने चुना, इसके पीछे क्या वजह है? अच्छा, एक तो टाइम ट्रैक्स मेरी करियर की शुरुआती दौर का एक सॉफ्टवेयर था जिसके साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ इन द वेरी अर्ली स्टेज ऑफ माई करियर. तो वो जो अर्ली स्टेज ऑफ करियर का जो रोमांस होता है ना, बहुत बड़ा दम्बा लेके चल रहा है. हाँ, वो जवानी का इश्क लंबा चलता है. तो अर्ली स्टेज में यू नो इंटरेक्शन हुआ. उसके बाद टाइम ट्रैक्स मेरे ख्याल में इस वक्त अगर हम देखें इंडस्ट्री में तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है. इधर आप मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, स्मॉल इंटरप्राइजेस की बात करें, और लार्ज सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, हर इंडस्ट्री में और हर सेक्टर में यूज़ हो रहा है. सो टाइम ट्रैक्स की अवेलेबिलिटी इन द मार्केट नंबर वन. नंबर टू, वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम ट्रैक्स की फ्लेक्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज रिमार्केबल. सो टाइम ट्रैक्स के साथ रोमांस पुराना है, लेकिन टाइम ट्रैक्स के साथ इंटरेक्शन एंड ये सब जो है, ये बाय द टाइम प्रोफेशनल नीड एंड रिक्वायरमेंट्स ने इसको और ज्यादा जो है ना मेच्योर कर लिया. एब्सोल्युटली है. तो यानी कि प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, या प्रोडक्ट के बनाने वाले, फैसिलिटी सर्विस देने वाले, उनकी सर्विस क्वालिटी बहुत अच्छी है. आखिर टाइम ट्रैक्स को मैं कहूँगी दो हिस्सों में ब्रेक कर दें, प्रोडक्ट वाइज एंड सर्विस वाइज. मतलब आपको क्या लगता है कि यार इस वजह से ये सस्टेन कर रहा है मेरे पास, और जहां भी जाऊंगी इनके बारे में सिर्फ इस क्वालिटी को आगे लेकर जाऊंगी? लुक रंजीत, आई एम अमंग द दूस पर्सन जिसे किसी को दूसरा मौका नहीं देती. आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन दैट, मैं दूसरा मौका नहीं देती. तो अगर इनकी प्रोडक्ट अच्छी होती और सर्विस अच्छी ना होती तो मैं यहाँ नहीं होती. तो माशाल्लाह दे हैव बोथ, इनकी टीम, इनकी डेडिकेशन. आई मीन ऑन अ सिंगल कॉल, मैं आपको अभी रिसेंट लास्ट वीक की एग्जाम्पल बताती हूँ. 6:30 मैं ऑफिस से निकल रही थी और मुझे एक इमीडिएट चेंज चाहिए था सिस्टम के अंदर. अगर वो चेंज नहीं होता उसी वक्त तो शायद मेरा पेरोल या कुछ चीज़ें लेट हो जाती. मैंने 6:30 पे फ़ोन किया कि यू हैव टू डू दिस चेंज टुडे सो दैट मैं 9:00 इसको एग्जीक्यूट कर दूँ. एंड बिलीव मी, आफ्टर 15 मिनट्स मुझे वो चेंज मिला. एक्सलेंट, एक्सलेंट. आई थिंक द सर्विस इज USP. प्रोडक्ट तो है ही ठीक है, लेकिन सर्विस ऐसा ही. Absolutely. तो आजकल ऐसा ही है कि कस्टमर डिलाइट का सबसे बड़ा जो अच्छा ऑप्शन है वो ये है कि आपकी प्रोडक्ट कितनी भी चाहे गोल्डन क्यों ना हो, प्रीमियम क्यों ना हो, अगर आपकी सर्विस अच्छी नहीं है तो आपकी प्रीमियम क्वालिटी की प्रोडक्ट भी अब्रॉस क्वालिटी प्रोडक्ट है. सो फर्दर हम बात करते हैं, टेल अस अबाउट द इंक्रीजिंग रोल ऑफ डिजिटल सॉल्यूशंस इन एचआर. हाउ हैव पर्सनल, ई अटेंडेंस, ई लीव एंड पेरोल ट्रांसफॉर्म्ड द ट्रेडिशनल एचआर सिस्टम इन पाकिस्तान? नंबर वन, ग्लोबल स्फीयर इज चेंजिंग. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और वी कैन से टेक्नोलॉजिकल री एनफोर्समेंट हैज ऑलरेडी चेंज द ग्लोब. एज फार एज एचआर इज कंसर्न, एचआर वॉज इनिशियली कंसिडर्ड एज पर्सनल मैनेजमेंट. देयर जॉब वॉज टू डू एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क लाइक डू अटेंडेंस एंड पेरोल मैनेजमेंट एंड हायरिंग एंड फायरिंग. बट नाउ द रोल ऑफ एचआर हैज बीन इवॉल्विंग विद द टाइम. नाउ देयर मोर a strategic partner, they have to drive the organization rather than just do administrative task. So this change in the overall sphere of HR system and change in the strategic role of HR has bring in the need of technology into the HR, number one. Number two, global changes with regard to technology and with regard to how people work. I mean, let's see an example of COVID-19. Right. The COVID-19 is an era. We call it a pre and post COVID-19 yes. world, right? It's a new, we call it new world order, new world. So this has basically changed how people work. Right. Now remote working, hybrid working has taken its place. पहले भी काम हो रहा था लेकिन COVID ने speed up कर दिया. Speed up कर दिया. पहले हो रहा था European countries में, बिल्कुल हो रहा था, लेकिन पाकिस्तान जैसे country में ये change हमने majorly जो देखा है वो COVID के दिनों में देखा है, और उसके बाद post COVID इसने इनहेंस करना शुरू किया बिकॉज एक ट्रायल हो गया कि हाइब्रिड वर्किंग इज समथिंग विच कैन बी डन, राइट? एक्सेप्ट फ्यू इंडस्ट्रीज, आईटी के अलावा तो कोई भी हाइब्रिड काम नहीं करता था पैसे. बट नाउ
इवन अपार्ट फ्रॉम सर्विस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ने भी हाइब्रिड वर्किंग को कंसीडर करना शुरू कर दिया. एब्सोल्यूट राइट. सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने बहुत तेजी के साथ एचआर के पूरे सिस्टम को चेंज किया. एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द न्यू एरा, न्यू नॉर्मल, बिकॉज एआई आपकी पूरी वर्कफोर्स मैनेजमेंट को चेंज करने वाला है. सो ये सब चेंज हमारे डोरस्टेप पे खड़े हुए हैं. वी हैव टू ब्रिंग अ चेंज इन आवरसेल्फ्स, अदरवाइज सर्वाइवल पॉसिबल नहीं हो पाएगा. सो अगर हम ई पर्सनल और इन सारे सिस्टम्स की बात करें, तो सबसे पहले तो डिजिटल रेवोल्यूशन की अगर बात करें, तो एक्सपेक्टेडली बाई 2025 एच आर टेक्नोलॉजी मार्केट इज गोइंग टू राइज अप टू $25 billion बाई 2025. That means there is a $25 billion. So it's a number. That means HR technology market is going to go up. Right. And why it's going to go up? Because when there is a need, there is a supply. Yes. So supply and supply need. So this is one of the factor that HR technology is going to take its place. It's the need. It's not just the fashion or a buzzword or a yo factor. No, it's the need. It's your survival, or otherwise you're not going to survive. So HR technology has bring its solutions, digital solution in Pakistan were limited a decade before, but now they are increasing. Yes. So finding out a good digital HR solution is the forefront of all your operations of HR. You need to understand what's the best fit for your organization. Obviously, you need to understand the ecosystem of your country, HR digital ecosystem of your country, where you are operating, because we have different system, we have different compliance requirements, regulatory requirements. Our taxation system is one of the most complicated taxation system in the world. Yes. Same applies to our regulatory. You will be surprised to learn that Pakistan, if we talk about employment laws, Pakistan is among those countries who has signed 83 ratification with ILO, International Labour Organization, which is largest in the number. So 83 ratification ka matlab hai, you have to follow and implement 83 employment laws in your industry. Otherwise, ILO can question you that why you are not implementing, you have signed this document. So our regulatory requirements are quite cumbersome. In this scenario, you need to learn that how to take up these roles. I mean, whenever you are bringing in or thinking to bring in digital technology into your organization, you have to check what is the best fit for your organization, what is your requirement, and which software, which digital solution is going to help you in that particular way. Right. Absolutely. So when we talk about all these e-attendance and e-personnel and everything is linked with what is the best integration model for you? यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं, ये ग्लोबल मॉड्यूल्स में तो मौजूद है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो आप मुझे अभी एक्सप्लेन कर रही हैं, टाइम ट्रैक्स भी आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है क्या? इस टाइम ट्रैक्स के पास ये सारी चीज़ें हैं? मैं जानना चाहता हूँ टाइम ट्रैक्स के पर्सपेक्टिव से वो ये सारी चीज़ें और आपकी कंपनी को कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है. इसके बाद छोटा सा हम ब्रेक ले लेंगे, उसके बाद वापस हम दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे. टाइम ट्रैक्स आपको कैसे डिजिटली ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन सी चेंजेस लेकर आ रहा है जिसमें आप मुस्तफीद हो रही है? जी देखिए, सबसे पहले तो हैविंग वन विंडो सॉल्यूशन इज द प्राइम फैक्टर. जब भी आप किसी डिजिटल सॉल्यूशन पे जाते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो आपकी सारी नीड्स और रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे. बहुत सारे इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर हैं जो हर तरह का मॉड्यूल देते हैं. प्रॉब्लम वहां आती है कि नॉट एवरी साइज फिट फॉर ऑल. यस, यस, राइट. हर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड वेल ब्रांडेड सॉफ्टवेयर इज नॉट मेंट फॉर यू. व्हाई? दे आर कॉस्टली. नंबर टू, दे आर नॉट एम्बेडेड फॉर योर एनवायरनमेंट. कस्टमाइजेशन की प्रॉब्लम है. अगेन, दे आर नॉट एम्बेडेड, दे आर नॉट मेड फॉर योर एनवायरनमेंट. राइट. So they claim that whenever you are buying our software, you have to change your policies according to our system. Yes. Problem वहाँ आता है जब आप policies change करने जाते हैं और उसकी financial impact आते हैं. Yes, yes. Pakistan is a country जहाँ dollar एक घंटे के बाद अपनी शक्ल बदल लेता है. Absolutely. Right. So ऐसे country में cost effective होना एक organization के लिए important होता है. Otherwise there is no profitability. When there is no profitability, there is no bottom line, there is no survival. Everything is linked with the number. सीधी सी बात है, profit के साथ linked है. तो हमारे लोग कहते हैं धंधो इन पैसो, हर चीज से लिंक है. सो अगर यानी कि डिस्टर्ब होगी तो चीजें डिस्टर्ब होंगी. तो इसका मतलब यानी कि जो टाइम ट्रैक्स मेड इन पाकिस्तान, मेड फॉर पाकिस्तान है, इट्स रेडी टू कम्पीट इंटरनेशनल ब्रांड्स. क्या
यानी आपका पीछे कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि कभी आपने कोई इंटरनेशनल या अदर ब्रांड्स यूज किए हो और टाइम ट्रैक्स को यूज किया हो? डिफरेंशिएशन तो इसलिए बिकॉज आई वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट फैन ऑफ टाइम ट्रैक्स, आई नो इट। कुछ तो अच्छी बाकियों में भी होंगी, तो उनकी अच्छाइयां उनको कंक्लूड करते हैं कि टाइम ट्रैक्स में ऐसा क्या है कि आपको रिटेंशन होने पे मजबूर कर देते हैं लोग। बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं अपनी प्रीवियस एग्जांपल्स को लूँ और टाइम ट्रैक्स की पर्टिकुलर रेफरेंस से अगर बात करूँ, तो मैंने एक ही ऑर्गेनाइजेशन में दो तजर्बे किए, टाइम ट्रैक्स भी और एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सॉफ्टवेयर को भी अडॉप्ट किया। प्रॉब्लम उस वक्त आना शुरू हुई जब इम्प्लीमेंटेशन हुई। कॉस्ट तो चलो हमने बेयर कर ली, व्हाटसोएवर। जब हम इम्प्लीमेंटेशन पे आए, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पॉपुलेशन है जिसने उस सिस्टम को चलाना होता है, ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन होगी अगर, और कोडिंग जरूरत से ज्यादा होगी, कॉम्प्लिकेटेड लगेगा सिस्टम दिखने में, विजुअल्स में। तो सबसे पहले तो हमारी वो यूजर्स जिन्होंने उसको यूज करना है वो वहीं घबरा जाएंगे कि वी कैन नॉट यूज इट। तो सबसे पहले तो अट्रैक्टिव होना, जो बज़वर्ड्स या जो टर्मिनोलॉजीज यूरोप में यूज हो रही है, यूएसए में यूज हो रही है या दुबई में यूज हो रही है, हमारे यहाँ वो टर्मिनोलॉजीज यूज नहीं हो रही। वो जार्गन्स किसी यूजर को समझाने तक में इतना टाइम निकल जाता है कि फिर वो आपके लिए इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल हो जाती है। तो वो स्क्रीन को जो जितने भी इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर्स हैं, ऑब्वियसली वो सोफिस्टिकेटेड बने हुए हैं, ब्लैक एंड वाइट, ग्रे, लाइट कलर, जार्गन्स, तो वो देखते ही सबसे पहले यूजर कहता है कि ये गोइंग टू बी अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। सो सबसे पहले आपको मेंटालिटी समझनी अपनी पॉपुलेशन की, वो किस चीज में ज्यादा कंफर्टेबल लेते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली आपके की यूजर्स ही होंगे जिन्होंने सॉफ्टवेयर को यूज करना है। ये एक चैलेंज है जो नजर आता है, नंबर वन। नंबर टू, इंटीग्रेशन। देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑलरेडी सिस्टम चल रहा होता है, उस सिस्टम को डिजिटल सिस्टम में अडॉप्ट करवाना, इंटीग्रेशन, माइग्रेशन ऑफ डेटा, सिक्योरिटी आपकी। अगर हमें सिर्फ एचआर के पर्सपेक्टिव से बात करूँ, तो एचआर के जो पर्सनल मॉड्यूल है या कॉम्पनसेशन मॉड्यूल है, उसमें बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। यू आर नॉट श्योर अबाउट सिक्योरिटी, यू आर नॉट श्योर अबाउट माइग्रेशन ऑफ डेटा, इंटीग्रेशन कितना अच्छा है एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ। ये सारे फीचर्स अगर आपको नहीं मिलेंगे और आप एक ऐसे वेल ब्रांडेड सॉफ्टवेयर को ले लेते हैं जो आपकी वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करने में इतने चेंज लाता है और इतना टाइम लेता है कि आपका सिस्टम डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, फिर यू चूज समथिंग विच इज़ अवेलेबल जस्ट ऑन अ सिंगल कॉल, और जहाँ से आपको सर्विसेज भी मिलें बहुत ईजीली, इम्प्लीमेंटेशन और इंटीग्रेशन भी हो जाए। एब्सोल्युटली परफेक्ट। सो इन अ सिंपल वर्ड के एक होता है सॉल्यूशन और एक होता है वन विंडो सॉल्यूशन, इन टाइम ट्रैक्स ऑफरिंग यू वन विंडो सॉल्यूशन। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और फिर बात करते हैं आपसे ई पर्सनालिटी अटेंडेंस के बारे में। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक टू ट्यून इन टेक पावर्ड बाय टाइम ट्रैक्स। ऑलरेडी हमारी बड़ी जबरदस्त बात चल रही है कि डिजिटल लैंडस्केप क्या है, ई पर्सनल, ई अटेंडेंस, ई पेरोल के हवाले से बात चल रही है और बहुत मजा आ रहा है मिस गजाला के साथ। और जिस तरह से वो बात कर रही है, अगेन मैं बात करूंगा, एनर्जी इज अ मैचलेस, एनर्जी इज सो अमेजिंग। और मेरा दिल कर रहा है कि मैं इनसे और मजीद बात करूं। किसी अगले टॉपिक पे जाने से पहले हम चाहते हैं थोड़ी सी रोशनी ई पर्सनल पे डाल देते हैं, ई पर्सनल के हवाले से जो टाइम ट्रैक्स आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है, आपका जो उसे एक्सपीरियंस हो रहा है या जो आपके लोग यूज कर रहे हैं उनके क्या व्यूज हैं रिगार्डिंग ई पर्सनल बाय टाइम ट्रैक्स के हवाले से। अच्छा, ई पर्सनल की अगर मैं बात करूँ तो आई वॉन्ट टू डिफाइन इट फर्स्टली, कि थोड़ा सा इसको हम एलैबोरेटली डिफाइन करें कि वट इज़ ई पर्सनल वर्ड। सो ई पर्सनल बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ डेटा बेस। जैसे किसी दौर में फाइल्स बनती थी, आप इम्प्लॉइज का सारा रिकॉर्ड एंड डेटा लगाते थे और अपने पास एक्सेल शीट में लोगों की डिटेल्स रखते थे कि आपके पास कितनी मैन पावर है, वट्स योर टोटल नंबर ऑफ मैन पावर, वट्स देयर क्वालिफिकेशन, देयर होम एड्रेसेस एंड देन कॉम्पनसेशन एंड सो ऑन सो फॉरवर्ड। तो ई पर्सनल बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ डेटाबेस ऑफ योर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, नंबर वन एचआर प्लानिंग, जिसमें आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे होते हैं, एक उसका साइड है जिसमें आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विद रिगार्ड टू हायरार्कीज एंड ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन क्या है, कितनी आपके पास डिपार्टमेंट्स हैं, क्या आपके पास डेजिग्नेशन एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट में क्या हायरार्की लेवल हैं, एक आप ये डिफाइन कर रहे होते हैं। दूसरा, आप उसके अंदर उन्हीं पोजिशन पे बैठे हुए जो लोग हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, उनका डेटाबेस मेंटेन कर रहे होते हैं।
सो ई पर्सनेल इज बेसिकली डेटा बेस ऑफ योर एचआर डिपार्टमेंट आपकी मैन पावर का. जब हम ई पर्सनेल में टाइम ट्रैक्स की पर्टिकुलरली बात करें तो वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन ओवर हियर इज कि इनका डेटा बेस बहुत अच्छा है. देखिए किसी भी सॉफ्टवेयर की अडॉप्टेशन की सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि जब आप सॉफ्टवेयर को अडॉप्ट कर रहे हो तो जिन फॉर्मेट्स में आप डेटा दे रहे होते हैं बेसिकली सॉफ्टवेयर है क्या, इट्स नॉट अ ह्यूमन बींग, इट्स नॉट एन एंटिटी विच इज लिविंग कि कुछ आप गलत दो तो यू नो पॉपअप कर दे कि समथिंग इज रॉन्ग. आप सॉफ्टवेयर को जो देते हैं वही आउटपुट निकलता है. यू नो गार्बेज इन गार्बेज आउट. अच्छा गुड इन गुड आउट भी है इसका. यस गुड इन गुड आउट. हाँ चलिए अच्छी चीज को लेते हैं. अच्छा चीज आ जाएगा. सो आपने इनके फॉर्मेट और जो इनका पर्सनल सिस्टम है वो इतना एक्यूरेट है कि आप कोई भी इररिलेवेंट डेटा या जैसे ही कोई डेटा आपका ड्यू टू ह्यूमन एरर अलग जा रहा है, लेट्स से एनआईसी नंबर है, फॉरन से पॉपअप हो जाएगा कि दिस इज नॉट राइट. तो वो गलती जो आप शुरू में करते हैं उसका इम्पैक्ट जाके मे बी बिल्कुल एंड में आपको पता चलता है और उसका इम्पैक्ट वहाँ आता है और रिपोर्टिंग में डिफरेंसेस आते हैं वो आपको शुरू में ही पॉपअप हो गया है. लेट्स सी एनआईसी गलत बताया जब आप बैंक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं पेरोल की तो सैलरी ट्रांसफर नहीं होगी बिकॉज उस गलत एनआईसी भी बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा. सो वो गलती जो पांचवें मॉड्यूल में जाके उठानी थी वो आपको पहले मॉड्यूल में मिली. सो फर्स्ट स्टेप अगर आप गलत ले रहे हैं वही पॉपअप हो गया कि आप गलत स्टेप ले रहे हैं इसको ठीक करें. That is very. यानी कि टाइम ट्रैक सॉफ्टवेयर के साथ साथ आपका जो है स्कूल टीचर या यूनिवर्सिटी टीचर गलती हो रही है अभी. हाँ मैं एक इंटर्नी को बिठा के भी अगर डेटा एंट्री करवाऊंगी और अगर वो कोई गलती करेगा तो उसी वक्त उसको आईडी हो जाएगा आई एम गोइंग रॉन्ग. सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. एम्प्लॉय ट्रस्ट फैक्टर भी आपका बढ़ेगा. मुझे पता है कि जहां से डेटा जो आया सबमिशन करने के लिए ये डेटा बिल्कुल ठीक हो सिस्टम सबमिट नहीं करेगा सिस्टम ने आगे ही नहीं जाने देना डेटा. सो दैट इज वन ऑफ द फैक्टर कि इनका जो डेटाबेस सिस्टम है वो एब्सोल्युटली मार्वेलस. दूसरी चीज़ ये है कि इनका जो ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन जिसके ऊपर आप बेसिकली पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे होते हैं, लेट्स से आप ये कहते हो कि जी मेरे ऑर्गेनाइजेशन के डिज़ाइन में 10 डिपार्टमेंट हैं, ऊपर ये मैनेजमेंट है, नीचे डिपार्टमेंट में ये हायरार्कीज बनी हुई हैं, वो इतनी वेल डिफाइंड है कि आपका जो एचआर प्लानिंग है विच इज़ द कोर ऑफ एचआर बिकॉज एवरीथिंग विच सारे एचआर प्रोफेशनल्स को पता है कि एचआर प्लानिंग इज़ द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट. वहाँ से ही आपका पूरा सिस्टम चलता है जहाँ आप ऑर्गेनाइजेशन को डिज़ाइन कर रहे होते हैं और आप ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि आपके पास क्या मैन पावर होगी, किस कैटेगरी की मैन पावर होगी और किस किस जगह क्या उसके बजट होंगे ये जो आपको फाइनेंस से मिल रहे होते हैं नंबर्स. सो वो बहुत वेल डेवलप्ड है जिस पे आप पूरी एचआर प्लानिंग अपनी कर रहे होते हैं. आपको अपनी स्किल इन्वेंट्री पता चल रही होती है आपके ऑन अ सिंगल क्लिक. इनका एनालिटिक्स इतना अच्छा है कि ऑन अ सिंगल क्लिक यू कैन टू नो कि आपके पास कितनी जेंडर डाइवर्सिटी है. आई मीन अगर मुझे आज मेरी मैनेजमेंट कहती है क्योंकि आपको पता है ना कंप्लायंसेस पाकिस्तान के कि आपने यू हैव टू मेंटेन अ सर्टेन पोर्शन ऑफ फीमेल मेल रेशियो देन एज की बेसिस पे आप यू नो आजकल तो जनरेशनल डाइवर्सिटी पे भी बात हो रही है कि कितनी जनरेशन जेड है आपके पास, कितनी जनरेशन एक्स है. ऑन अ सिंगल क्लिक मेरे पास वो डेटा आ जाता है. सो ई पर्सनेल इज द फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छा वेल डेवलप्ड डेटा बेस है इनका ई पर्सनेल का. तो मैं अगर रेट करूँ टाइम ट्रैक्स को 10 out of 10 नंबर्स में दूंगी कि बिकॉज दिस इज़ द बिगनिंग पॉइंट ऑफ एनी सॉफ्टवेयर जो बहुत अच्छा बना हुआ है और इनका ई पर्सनेल अच्छा है. और वैसे अगर हम ओवरऑल बात करें ई पर्सनेल की तो उसकी इंपॉर्टेंस तो मैंने आपको बताई दी कि दिस इज़ समथिंग जहाँ से आप बेसिकली स्टार्ट ले रहे होते हैं, जहाँ से आपका सब सिस्टम ने आगे चलना होता है. सो दैट्स द रोल ऑफ ई पर्सनेल ओवर. तो ई पर्सनेल के हवाले से हम बात करें जो आपने बहुत सारे और भी एक्सपीरियंसेस किए हैं तो टाइम ट्रैक्स 10 out of 10 जस्ट बिकॉज ऑफ योर पर्सनल एक्सपीरियंस. और मुझे आपकी दूसरी बात याद है कि हमें दूसरा मौका नहीं देती. मुझे तमिली मूवीज करना थोड़ा बहुत वो लोकल फील आ गया कि तमिल मूवीज में ऐसा होता है कि मैं बस एक ही मौका देता हूँ, दूसरे के लिए वो रहता नहीं. सो लेट्स टॉक अबाउट ई अटेंडेंस. लेट्स डिस्कस समथिंग कि ई अटेंडेंस के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से बात करते हैं जो वर्क फोर्स मैनेजमेंट है और उनकी एक्यूरेसी को मैनेज करना, उनके डिस्क्रिपेंसीज को मैनेज करना, ये सब टाइम ट्रैक्स आपको कैसे ऑफर करता है ई अटेंडेंस में बेसिकली. अच्छा ई अटेंडेंस इज द मोस्ट आई मीन अगर सिर्फ मैं ई हटा दूं और सिर्फ अटेंडेंस की बात करूं, राइट दिस इज द मोस्ट कंबर्सम प्रोसेस ऑफ एचआर. और आई कैन रिकॉल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन जहां 25,000 लोग थे मेरे पास और उन 25,000 लोगों को मैनेज करने के लिए, अटेंडेंस को मैनेज करने के लिए मुझे 2 से 3 रिसोर्सेज सिर्फ अटेंडेंस के लिए रखने हुए थे बिकॉज अब प्रॉब्लम ये होता है कि वॉल्यूम फिर पाकिस्तान में सिस्टम को उतना फॉलो नहीं किया जाता. हर कोई जानता है कि किस तरह अटेंडेंस को इधर उधर करना है. सो ये एक बड़ा कंबर्सम प्रोसेस होता था. अब जब मैं इसके साथ ई लगा देती हूँ ना तो इसने जिंदगी आसान कर दी है, नो डाउट अबाउट इट. कि ई अटेंडेंस ने आपकी ओवरऑल
एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कलोड को, एचआर के ओवरऑल वर्कलोड को काफ़ी रिड्यूस कर दिया है। अब जब हम सोल्यूशन की बात करते हैं, ई अटेंडेंस डिजिटल सोल्यूशंस की बात करते हैं, तो तीन चार फैक्टर, सबसे पहले इसके बेनिफिट्स पे बात करते हैं और फिर मैं बात करूँगी कि व्हाट आर द रीज़न कि मैं टाइम ट्रेच के ई अटेंडेंस को बहुत ज़्यादा जो है वो रेटिफाई कर रही हूँ और सर्टिफाई कर रही हूँ कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट। अगर हम ई अटेंडेंस की ओवरऑल बेनिफिट की बात करें तो नंबर वन, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कलोड आपका कम हो जाता है। नंबर टू, आपकी वेल डिफाइंड पॉलिसीज आ जाती हैं, क्योंकि आपकी मेजरली जो आपके लोगों का जो भी एचआर के साथ इंटरेक्शन है उनका मेजर प्रॉब्लम ये होता है कि जी हमें एचआर की पॉलिसी की का पता ही नहीं है कि क्या पॉलिसी है अटेंडेंस की। एटलीस्ट योर अटेंडेंस पॉलिसी इज जस्ट अवेलेबल ऑन देयर सिंगल गेट कि दिस इज द पॉलिसी। ट्रांसपेरेंसी एक्यूरेसी, बिकॉज आपका सब कुछ उनके मोबाइल में है। अब मतलब एक उन्होंने अपने मोबाइल से अटेंडेंस लगा सकते हैं, तो हर चीज उनके हाथ में है, दे आर कंट्रोलिंग देयर ऑल अटेंडेंस, सो इफ देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसी दे हैव टू गिव आंसर टू देयर डिस्क्रिपेंसी। और दूसरा वो चला गया, सो वो आंख नहीं चल रही, वो कार्ड नहीं चल रहा, वो अंगूठा नहीं चल रहा, मतलब सब खत्म, एवरीथिंग इज ऑन द मोबाइल ऑन योर, आई मीन आप कहाँ खड़े हुए उस पर हम बात करते हैं कि इनकी फीचर्स में कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं जिसपे मैं बात करती हूँ जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई है। अच्छा, ट्रेडिशनल जो अटेंडेंस सिस्टम है, इवन ई अटेंडेंस में भी कुछ ट्रेडिशनल सिस्टम है। yes. कुछ ई अटेंडेंस से जो बड़े पुराने थे, पुराने दौर में यू नो थंब मार्क कर दिया। अब थंब मार्क, अब मैं ये तो नहीं कहूंगी कि कोई किसी का अंगूठा काट के ले गया और मार्क कर दिया जैसे वो पुरानी फिल्मों में वो मरे हुए का जो वो अंगूठा लगाते, वो नहीं, लेकिन बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हो जाती थी। अब बात उससे आगे चली गई है, अब बहुत सारे ऐसे सोल्यूशन हैं मार्केट में जिसमें फेस रिकग्निशन होता है और उसके थ्रू लोग आता है। तो बेनिफिट की मैं बात कर रही थी, ट्रांसपेरेंसी, अवेलेबिलिटी ऑफ लीव पॉलिसी, यू कैन सी द वेलबींग ऑफ योर एम्प्लॉय, लोग कितनी लीव ले रहे हैं, लोगों अटेंडेंस कितनी रेगुलेटेड है, कौन है जो जल्दी आ रहा है, परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन पे उसका जो इम्पैक्ट आता है, डिसिप्लिन पता लग रहा है, पता लगेगी, हमें ये पता चलेगा कितनी लीव कंज्यूम हो रही है और इसे आप पूरा डेटा मैप भी कर सकते हैं। ये अच्छा, अब अगर मैं इनके सॉफ्टवेयर की बात करूँ, जो टाइम ट्रैक्स के सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूँ, तो मेरा कोई आज से वन डिकेड बिफोर मेरे पास एक रिक्वायरमेंट थी। आई वॉज वर्किंग फॉर अ फार्मास्यूटिकल कंपनी जहाँ हमारे पास पैन पाकिस्तान फील्ड स्टाफ होता था। प्रॉब्लम ये आती थी कि वो जो हमें अटेंडेंस भेजते थे उस पर मैं रिलाय नहीं कर सकती थी। मुझे नहीं पता वो फील्ड स्टाफ अपनी फील्ड की लोकेशन पे गया या नहीं गया, नहीं गया। लेकिन उसकी एप प्रेजेंस आ रही है और फिर बाय द टाइम हमें ये भी पता चलता था वो जाता ही नहीं है। सो मैनेजमेंट उस वक्त एक इस चीज़ को बड़ा चैलेंजिंग ले रही थी कि सबको कैसे कंट्रोल करें। उस दौर में आई रिकॉल कि हमने एक टेलीकॉम कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया था और फिर हमने सारी फील्ड फोर्स को सिम दी थी और उन्हें कहा था, आपने उन्हें हमने ये कहा था, ये उस पुरानी बात है कि जी आप ये मोबाइल सिम यूज़ करेंगे और उसके थ्रू हम आपको ट्रैक करेंगे। और वो कंपनी हमसे काफ़ी अच्छा हैंडसम अमाउंट चार्ज कर रही थी टू प्रोवाइड दिस सर्विस। बट अभी रिसेंटली मैंने टाइम ट्रैक्स का ई अटेंडेंस जब मॉड्यूल लिया तो मैंने इनसे यही प्रॉब्लम शेयर की कि मुझे अपनी फील्ड स्टाफ के लिए, दोज़ हुआ वर्किंग पैन पाकिस्तान, लाहौर है, इस्लामाबाद ऑफिस है, एंड दे आर वर्किंग विद डीलर्स, कोई डीलरशिप पे जा रहा है, कोई कहीं और जा रहा है, तो उसका मैं कैसे ट्रैक करूँ कि दे आर एक्चुअली गोइंग टू देयर लोकेशन और नॉट, राइट? तो इन्होंने मुझे एक सोल्यूशन दिया विच वॉज ई मोबाइल अटेंडेंस। ई मोबाइल अटेंडेंस, यस, ओके। अब उसमें पूरा जो सिस्टम था अटेंडेंस का, वो एक एप्लीकेशन के थ्रू हमने उनको इंस्टॉल करवा दिया उनके मोबाइल्स पे, और वो एज गुड एज जैसे आप ऑफिस में आते हो और अपना फेस रिकॉग्नाइज करते हो या थंब मार्क करते हो, क्लिक करके वो अपनी अटेंडेंस लगाते थे। और वो इतना अच्छा जियो फेंसिंग था उनका कि आई कैन ट्रेस देम आउट कि वो एक्चुअली उसी लोकेशन पे है या नहीं, बिकॉज लाइव लोकेशन दिखाता था सिस्टम वो कहाँ खड़े होके वो अटेंडेंस मार्क कर रहे थे। एंड टू योर सरप्राइज बहुत सारे मैंने ऐसे पकड़े जो घर में बेड पे बैठ के और मैं कहती थी यार तुम घरों में बैठ के अटेंडेंस लगा रहे हो और तुम लोग कह रहे हो कि हम ऑफिस में आ रहे हैं। सो मुझे तो बड़ा मजा आता था, मैं तो फिर उसको यूज़ करती थी और मुझे तो आई मीन लिटरली आई वॉज इन्जॉइंग कि यार व्हाट अ फीचर। और मजे की बात यह कि अभी रिसेंटली उन्होंने उसमें ही फेस रिकग्निशन का भी ऑप्शन दिया है कि आप मोबाइल पे क्लिक कोई भी कर सकता है आपके उस अटेंडेंस को फेस रिकग्निशन। और ये जो सॉफ्टवेयर की अभी बात कर रहे हैं, तो मैं, मेरा एक प्रीवियस टोबैको कंपनी से रिलेशनशिप था FMCG से,
तो उसमें मैं भी इसका यूजर हूँ क्योंकि मैं रीजनल टीम लीडर था। अच्छा, तो आपने कितना बंक किया होगा? अच्छा, असल में बंक नहीं किया, हम क्या करते थे, जो लोकेशन थी उस लोकेशन में हम कहते हैं हम पहुंच रहे हैं, तो उसमें हमें एक टाइम दिया गया था 200 to 400 मीटर्स का रेडियस था कि अब अगर आप अपनी ब्रांच की पहली लोकेशन जो टैग होगी आपको उसके आसपास पहुंचते हैं तो वहां जाके भी आप अपनी फेस रिकॉग्निशन असेसमेंट सेल्फी लें। मुझे सेल्फी वो गैलरी में नहीं जाएगी, वो आपकी सर्वर पे अपलोड होगी और जैसे वो अपलोड होगी आपका सबमिट होगा। अच्छा, आपने वो लगा तो दी है, जब आप घर जाएंगे तो आपको किसी न किसी ब्रांच में या टैग वाली ब्रांच जो आपने टैग की हुई है उसमें वापस जाना पड़ेगा, तब आपका साइन आउट होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया, साइन इन किया, साइन आउट नहीं किया, तो इसका मतलब पूरा दिन आप नहीं आए, आप नहीं आए। सो मैं मतलब रिलेट कर सकता हूँ कि ये साउथ अफ्रीकन बेस्ड कंपनी ने सॉफ्टवेयर बनाया, इट वॉज अ वेरी एक्सपेंसिव, बट आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है मेड इन पाकिस्तान, मेड फॉर पाकिस्तान ये सॉफ्टवेयर बना दिया। जबरदस्त, एक्सेलेंट। मैं लिटरली मैं तो उनसे कहती हूँ यार, ये लोगों ने कमाल कर, तो यानी कि वो जैसे कहते हैं ना कि हर खबर पर नजर टाइम ट्रैक्स, तो मुझे लगता है साबित कर दिया इसने। हाँ, अमेजिंग। सो अभी हम ई अटेंडेंस के बारे में जो हमने जो लर्न किया, जो सीखा, और मुझे लगता है कि सारी चीजें ऑफ कोर्स टाइम ट्रैक्स प्रोवाइड कर रहा है, दैट्स व्हाई यू आर स्पीकिंग अबाउट गुड वर्ड्स अबाउट हिम। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ई लीव्स, ये भी दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। ई लीव्स का मसला टाइम ट्रैक्स कैसे आपने सॉल्व कर, ये कौन मसला है? अच्छा, अगेन देखिए, ई लीव को सबसे पहले तो हमें समझना है कि ट्रेडिशनल लीव सिस्टम एंड मॉडर्न लीव सिस्टम एंड देन ई लीव सिस्टम, राइट? ट्रेडिशनली क्या होता था, रजिस्टर होते थे बड़े बड़े, उसमें जी लीव लगा दी, बता दिया बॉस को, सेटिंग है तो ओके, नहीं है तो चल गया। बेनिफिट सबसे पहले, ई लीव सिस्टम का सबसे बड़ा बेनिफिट, यू हैव अ वेल डिफाइंड लीव पॉलिसी ऑन योर पोर्टल, यू नो हाउ मेनी लीव यू हैव, आपने कितनी कंज्यूम कर ली है, कितनी रहती हैं। नंबर टू, यू कैन डू ट्रेंड एनालिसिस ऑफ योर एम्प्लॉयज, हाउ मेनी लीव दे आर टेकिंग, what's the ratio of sick leave, what's the ratio of casual leave, so that you check the well-being of your employees. If someone is taking a lot of sick leaves, you need to check them out. Being HR, it's your responsibility to be sympathetic towards your employees. Yeah. If they are not feeling well, their well-being is disturbed, you need to check them out. So these trends give you a handsome amount of idea that what your employees are experiencing at the moment, right? Readily available reports. Because management reporting mein aap apne manpower ki absence रेशो भी डिस्कस कर रहे होते हैं, और एक अच्छा एचआर वो होता है जो अपने एब्सेंस रेशो को कंट्रोल कर यस, बिकॉज़ एब्सेंस इज अ बिग कॉस्ट फॉर द कंपनी, एब्सेंस इज अ बिग कॉस्ट, और उससे बड़ा कॉस्ट छुट्टी ना लेना इज आल्सो बिग कॉस्ट, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एचआर इज इन द फोरफ्रंट एंड द मिडल ऑफ एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर, इफ एनी ऑफ योर एम्प्लॉई इज नॉट टेकिंग लीव, यू शुड आस्क देम व्हाई यू आर नॉट गोइंग ऑन लीव, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू आर नॉट अ मशीन। Even machine requires leave. Chalo, emotion thing, main chuttiyan nahi leta. Chuttiyan nahi karta. I have a very different view. I have a very different view. Why you are not taking leave? Go and enjoy your annual leave. Go for 15 days. Yes. So, you can check the trend of your people that how they are behaving as far as leaves are concerned. How they are enjoying their leave, they are not taking leave, or they are taking too much leave. You can monitor it. Having a very transparent policy for each and every person available on the portal, we can, you know, read it anytime. If they have any question related to them, they can come to HR. But obviously, your administrative burden has been reduced because everything is available on portal. Absolutely. So these are something which I'm saying that HR ke jo burden reduced ho gaye hain aur uske benefit hai. Ab jab hum baat karte hain e-leave system by time track. Right. Acha, e-leave system inka kafi ek acha well established kisam ka e-leave system hai, jisko maine jo experience kiya. एक तो कैलेंडर पूरा इनका दिख रहा होता है उसके अंदर, सो आपको पता चल जाता है कि किस डेज पे किस कैलेंडर पे अगर किसी ने छुट्टी ली तो उसमें कोई गैजेटेड आसपास तो नहीं आ रहा, कोई सैंडविच पॉलिसी तो नहीं बन रही, तो पॉलिसीज को बड़ा अच्छा टेकन केयर कर रहे हो। कस्टमाइजेशन बहुत अच्छी है, बिकॉज देखिए पाकिस्तान के अंदर अगेन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, पाकिस्तान में आपको पता है कि जो एम्प्लॉयमेंट लॉज है उसमें सर्टेन नंबर ऑफ लीव अलाउ की नहीं है, विच इज मैंडेटरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू कीप टू द एम्प्लॉई, जैसे 8 sick leave, 8 casual leave and 14 annual leave, these are the mandatory requirement by the law. So you need to be compliant on that. एक तो compliance और regulatory के burden से आप निकल जाते हो, because आपका system उस चीज़ को manage कर रहा होता है कि minimum इससे नीचे तो आप जा ही नहीं सकते। बिल्कुल सही। Right? अगर आपके पास visit होता है, कोई factory visit होता है, या आपके पास कोई labour department का visit होता है, तो आप system से compliant है। Everything is available. होटल पर register दिखा। Register दिखाना, जो जिस पे हमेशा question mark रहता है कि ये तो शायद पता नहीं ठीक है भी या नहीं। So everything is available on the system. आप उनको दिखा दे कि जी, we are compliant as far as leaves are concerned. दूसरी चीज ट्रांसपेरेंसी, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लोगों का ट्रेंड और रेशो क्या है लीव अवेल करने का,
तीसरा इनका जो मैंने आप बताया कि जिस तरह टाइम ट्रैक्स का ई लीव सिस्टम है जिसमें इनकॉर्पोरेशन ऑफ लीव्स, उसका रिपोर्टिंग बहुत अच्छी है, रिपोर्टिंग बहुत अच्छी है, बिकॉज व्हेनेवर यू रिक्वायर डेटा रिलेटेड टू प्रेजेंस ऑफ मैन पावर ऑन एनी पर्टिकुलर डे, लेट्स से अभी रिसेंटली वी डन एन एक्सरसाइज कि हमें सैटरडे ऑफ करना था, तो हमने बड़ी अच्छी जस्टिफिकेशन मिली उन रिपोर्टिंग के थ्रू कि हमारे ऑलरेडी वर्क फोर्स कम होती है, वी हैव सर्टेन बेनिफिट इन दिस इफ यू वी यू नो हम अपनी प्रोडक्शन को ऑफलाइन कर दें सैटरडे और रादर देन कि ब्रिंग इन फ्यू पीपल एंड एडिंग 100% कॉस्ट फॉर द डे. सो इस तरह की चीज़ों के लिए, इन एक्टिविटीज़ के लिए, ऐसे प्रोजेक्ट्स प्रेजेंट करने के लिए, प्रपोजल मैनेजमेंट को देने के लिए आपके पास बैकिंग डेटा बहुत अच्छा है. और आपके प्रपोजल्स को वेटेज मिल जाती है ना जब आप नंबर्स पे बात करते हैं, बिकॉज हमेशा एचआर से एक ही प्रॉब्लम होती है कि एचआर नंबर्स की बात नहीं करता, एचआर कभी भी फाइनेंसिस की बात नहीं करता. तो हम नंबर्स और फाइनेंसिस के साथ डेटा बैकअप जब देते हैं, मैनेजमेंट के सामने रखते हैं, तो उसका एक इंपैक्ट होता है, हमारे प्रपोजल्स की वैल्यू बढ़ जाती है जब नंबर्स के साथ हम बात. सो विल स्मिथ के बाद मिस गजाला इज गुड विद नंबर्स एंड गुड विद पीपल, गुड विद मी. हम एक जो ब्रेक से पहले एक ई पेरोल का थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, उसके बाद हम इंटीग्रेशन एंड कंपैटिबिलिटी पे बात करेंगे. सो टाइम ट्रिक्स के हवाले से ई पेरोल सिस्टम को हम एक्सप्लोर करते हैं और इनकी क्या एफिशिएंसीज हैं, आपको ये सिस्टम कैसे एक्यूरेसीज प्रोवाइड करता है, और जब आप पेरोल सिस्टम की बात करते हैं लोगों को क्या फायदा होता है, एट ऑन द होल ऑर्गेनाइजेशन, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसको ई पेरोल सिस्टम से क्या बेनिफिट हुए और क्या एफिशिएंसीज इम्प्रोवाइज हुई आपकी ऑर्गेनाइजेशन में. अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं ई पेरोल को थोड़ा सा डिफाइन कर लेती हूँ. ई पेरोल बेसिकली, अगर उसकी डेफिनेशन की बात करें, तो बेसिकली दिस सिस्टम मैनेज कंप्यूट कॉम्पनसेशन, और ये बेसिकली लिंक होता है आपके टाइम लीव और पर्सनल मैनेजमेंट सिस्टम के साथ. सो ये आपका फोर्थ मॉड्यूल होता है, और कहीं पे फिफ्थ होता है अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो. तो ये आपका फिफ्थ मॉड्यूल होता है जो पुराने जिन भी अब तक मॉड्यूल्स को हमने डिस्कस किया है उन सब से डेटा आके यहाँ प्रोसेस हो रहा होता है. इस मॉड्यूल की, इस पर्टिकुलर डिजिटल सोल्यूशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये डायरेक्ट फाइनेंशियल को हिट कर रहा होता है और एम्प्लॉय मोटिवेशन को भी हिट कर रहा होता है. अच्छा, वो तो मैं अभी सेकेंडरी बात करती हूँ ना. मैं अगर डायरेक्ट मॉनिटरी इंपैक्ट की बात करूँ तो ये डायरेक्ट आपकी मॉनिटरी इंपैक्ट को हिट कर रहा होता है. और इस मॉड्यूल में या इस पर्टिकुलर स्टेज और प्रोसेस में एचआर की मिस्टेक ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल लॉस दे सकती है. अब एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 25,000 लोगों और उसकी कॉम्पनसेशन को मैन्युअली कैलकुलेट करने में ह्यूमन एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट? स्पेशली व्हेन यू आर वर्किंग इन अ कंट्री जहां रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स इतनी कॉम्प्लिकेटेड हैं कि हर दूसरे महीने टैक्स के अंदर चेंज आ रहा होता है, हर दूसरे हफ्ते आपकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट विद रिगार्ड टू एम्प्लॉयमेंट लॉज, जिसमें EUBI आ गया, CC आ गया, बाकी आपके जो टर्मिनल बेनिफिट है उसके अंदर चेंज आ रहे होते हैं, तो वहाँ उन सारे चेंजेस को मेमोराइज करना, उसको याद करना, रिकॉग्नाइज करना, एग्जीक्यूट करना बाय अ ह्यूमन बीइंग इज क्वाइट डिफिकल्ट. तो सिस्टम आपको वहाँ फैसिलिटेट कर रहा होता है कि सिस्टम आपको खुद ही बता देता है कि दीज आर द चेंजेस विच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड एंड नाउ थिंग्स आर बीइंग कैलकुलेटेड एंड कंप्यूटेड बेस्ड ऑन दोज न्यू चेंजेस. लेट्स से अभी रिसेंटली एक टैक्स का चेंज आया, जो आपकी 23-24 का जो टैक्स का जो स्लैब है वो चेंज हुए हैं, जिसमें कुछ टैक्स बढ़ाए हैं, कहीं पे सेम भी रहे हैं, कुछ स्लैब पे टैक्स बढ़े हैं. अब वो चेंज 25,000 या 30,000 लोगों की मैनपावर की कंपनी में उस चेंज को हर एक की कॉम्पनसेशन के अकॉर्डिंगली उसको कंप्यूट करना इज वेरी कंबर्सम रोल. सो ई पेरोल सिस्टम आपको एडवांटेज ये देता है कि ऑटो कैलकुलेशन पे ही सिस्टम उसको कैलकुलेट करता है. एक्यूरेसी ट्रांसपेरेंसी भी प्रोवाइड, एक्यूरेसी ट्रांसपेरेंसी उसी वक्त प्रोवाइड हो गए जब आपने आपके सिस्टम में जैसे ही चेंज आया उसने उस चेंज को अडॉप्ट किया और एग्जीक्यूट कर दिया. सो ई पेरोल सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इन द होल ऑल HR प्रोसेसेस. अब जब इनके ई पेरोल सिस्टम की बात करें तो इनकी बड़ी अच्छी फीचर्स हैं, जिसमें ये जितनी भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं इसको बड़ा अच्छा कैटर किया गया है, और लोकली जो हमारे लॉज हैं उनको भी कंप्लाई कर रहे हैं. बिल्कुल कंप्लाई कर रहे हैं. जब भी कोई चेंज आता है हमें कुछ बैकएंड विंडोज दी जाती है जिसमें जो भी चेंजेस हैं उसको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, और वो इनकॉर्पोरेशन जिस रिक्वायर्ड पर्सनल पे लगनी होती है उस पर वो ऑटोमेटिकली जाके हिट करती है और उसको एग्जीक्यूट कर देती है. लेकिन हम जिन ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर चल रहे हैं,
वहाँ टाइम ट्रैक्स का नहीं है, लेकिन वो तो कहते हैं ये तो आईटी बैकएंड पे करके देता है, हमारे पास वो तो कैलकुलेट होता है। देखिए यह कैसे हो रहा है, देखिए आईटी बिल्कुल आपका आईटी डिपार्टमेंट उसके अंदर चेंज तो ला रहा होता है, लेकिन वो चेंज लेट से आपके चार स्लैब हैं टैक्स के, वो चार स्लैब ऐड करती है। अब हम चार स्लैब में कौन कौन सा एम्प्लॉय किस स्लैब में फॉल कर रहा है, 25,000 एम्प्लॉय किस एक स्लैब में फॉल नहीं करेंगे, 25,000 एम्प्लॉयज में कोई हो सकता है 150 लो इंडिविजुअल्स जो हैं पर्सनल जो हैं वो स्लैब वन में फॉल कर रहे हैं, वो 200 स्लैब टू में फॉल कर रहे हैं, तो ये कैलकुलेट करना is the main physical and mental dexterity. Tedious and hectic job. Very tedious and hectic. Yes. It requires a lot of efforts and administrative work and personnel. You require to do this computation if you're doing it manually. So e-payroll system basically gives you an idea. You just need to provide them a formula, and this particular module compute that formula according to the personnel and their compensation. Excellent. सो मैडम बहुत मज़ा आ रहा है मुझे ऐसा लगता है, मैं आपको लगता क्या है मैं आपको बता देता हूँ, मैं बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता हूँ, तकरीबन 7 कोर्सेज पढ़ा रहा हूँ 5 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। पता है आप इंडायरेक्टली क्या कर रही हैं, जो मैं मॉड्यूल खड़े होकर पढ़ाता हूँ मैं कहूँगा पहले मैडम का सुनो बाद में पढ़ाऊंगा। सो छोटा सा ब्रेक लेते हैं हम, ब्रेक के बाद अगली बात करेंगे हम इंटीग्रेशन इन कॉम्पेटिबिलिटी पे, यूज़र एक्सपीरियंस एंड सिक्योरिटी डेटा। बड़ा मज़ा आ रहा है आपके साथ बात करते हुए, मैंने वो गलत नहीं कहा, अगर आपको गलत लगा मैं दोबारा रिपीट करूँगा, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, द ओशन ऑफ नॉलेज, the loads of skills and amazing ability that you are defining. So amazing and bahut mazaa aa raha hai aapke sath, break ke baad milte hain thodi si, thank you very much, god bless. Welcome back to Tune In Tax powered by Time Tracks. Bahut zabardast guftagu ho rahi hai jisme hum already baat kar rahe hain e personnel, e attendance, e payroll ke hawale se, और उसमें मैं समझ रहा था कि हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, लेकिन जो ज्ञान है जो इल्म है वो मल्टी डायमेंशनल तरीके से हमें मिल रहा है। सो माय यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एंड माय कोलीग्स एंड एसोसिएट्स, जो आप अभी हमारी पॉडकास्ट देखेंगे मज़ीद जो हम इनसे बात करेंगे, सो बहुत बड़ी बड़ी असाइनमेंट्स आने वाली हैं। पहले मैं आपको कहता था 30 मिनट की वीडियो देखिए, कम अज़ कम आपको 1.5 घंटे का असाइनमेंट जब देखेंगे तो 4 घंटे का बन जाएगा, और आप रिग्रेट नहीं करेंगे, बहुत मजा आने वाला है आपको पढ़ने में और सीखने में। बिकॉज जो हम कहते हैं ना, थ्योरी बहुत पढ़ ली हमने, किताबें बहुत देख ली, अब हम प्रैक्टिकल एक्सपोजर सीखेंगे, और मिस गजाला हमें वही चीजें सिखा रही हैं जो वो प्रैक्टिकली कॉर्पोरेट अपने हाथों से कर रही हैं। सो आइए जी बात करते हैं अभी आपसे कि सिस्टम्स बनाना बड़ा आसान होता है, बड़े महंगे महंगे सिस्टम मार्केट में हमने देखे हैं, उसमें कभी कभी हमने सुना है 10 करोड़ रुपए लग जाते हैं, कभी कोई कहते हैं 8 करोड़ रुपए लग जाते हैं, और जब हम यूज़ की बात करते हैं तो वो यूज़ हो नहीं पा रहा होता, उसके बाद कहते हैं इसको बंद करो कोई और सिस्टम लेकर आओ। तो उसमें एक कॉमन टर्मिनोलॉजी हमने देखी है कि उसमें इंटीग्रेशन और कॉम्पेटेबिलिटी का बड़ा इशू होता है, तो पहले हम इस पर बात करेंगे, दूसरा हम आपसे यूजर एक्सपीरियंस की बात करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट हाउ डू दीज डिजिटल एचआर सॉल्यूशन इंटीग्रेट विद ईच अदर एंड विद एग्जिस्टिंग एचआर प्रोसेसेस। कैसे हो सकता है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज हैं? देखिए सबसे पहले तो वी नीड टू डिफाइन द टर्मिनोलॉजीज टू बेटर अंडरस्टैंड। सो अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि हाउ स्विफ्टली अ सिस्टम एम्बेड विद अदर सिस्टम, दैट्स द इंटीग्रेशन। एंड कंपैटिबिलिटीज, हाउ सीमलेसली दे कैन इंटरैक्ट एंड एग्जीक्यूट देम। सो एम्बेडिंग ऑफ टू सिस्टम इंटू वन एंड सीमलेसली ऑपरेटिंग दैम, so these are the two terminologies which are being used very commonly. I mean ye jargons bahut zyada use hote hain ki ji integration badi achhi hai, compatible, we are compatible with every kind of organization, every kind of system, to ye yo factor create karne ke liye to ye words theek hain, but in practically jab aap implementation stage pe jate hain to compatibility aur integration hi aapke pure system ko aur pure project ko fail karta hai. Somehow aap kuch na kuch aisa zarur miss kar rahe hote hain जो आपके प्रोजेक्ट को फेल कर रहा होता है। तो अगर हम इंटीग्रेशन से स्टार्ट करें, इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले बिफोर टेकिंग और परचेजिंग अ सॉफ्टवेयर, यू हैव टू कंडक्ट अ थरो रिसर्च एंड सर्वे विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन टू चेक व्हाट्स योर डिमांड, व्हाट्स योर रिक्वायरमेंट, व्हाट्स योर करंट सिस्टम, हाउ द करंट सिस्टम कैन बी embedded into a new system, what challenges you can face, जिसमें आपका IT infrastructure play a very important role. देखिए एक वक्त था जब बड़े बड़े servers लगते थे, पूरे के पूरे room होते थे जिसमें AC और chiller चल रहे होते थे और servers रखे जाते थे और उसमें data store होता था।
अब जब हम आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अब क्लाउड बेस्ड सिस्टम होता जा रहा है। तो क्लाउड बेस्ड सिस्टम की अपनी कुछ नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स होती हैं और क्लाउड सिस्टम की अपनी कॉस्ट भी होती है। सो जब आप कोई भी सिस्टम परचेज करने जाएं तो सबसे पहले आपके अपने करंट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपैटिबिलिटी को चेक करना है कि आप जो भी सॉफ्टवेयर लेने जा रहे हैं क्या आपके करंट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में वो इम्पैक्ट हो सकता है। ऑब्वियसली एचआर पर्सनल्स कैन नॉट डू दिस काइंड ऑफ सर्वे। तो इस सिनेरियो में सबसे पहले आप एक प्रोजेक्ट टीम बनाते हैं और आपकी प्रोजेक्ट की टीम में आपके फाइनेंस के लोग भी हों, प्रोजेक्ट के लोग भी हों, आईटी के रिसोर्स का होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज दे कैन गाइड यू कि आपकी करंट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपैटिबिलिटी किस सॉफ्टवेयर पे हो सकती है, कितने कम बाइट्स के अंदर, कितनी कम स्पेस के अंदर बेटर परफॉर्म कर क्या कर सकता है। फिर हम बात करते हैं कंपैटिबिलिटी की, तो आपके सिस्टम के चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, आपका सिस्टम, आपका डेटा कहाँ जाकर इनकम्पैटिबल हो सकता है किस सिस्टम के साथ। तो यहाँ प्योरली आपका आईटी डिपार्टमेंट आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा और अगर आप मेंटोरशिप में नहीं ले रहे आईटी डिपार्टमेंट को तो अलोन एचआर इज बाउंड टू फेल। सो सबसे पहले इट्स इंटेग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए, कंपैटिबिलिटी और इंटीग्रेशन के लिए आप अपनी प्रोजेक्ट टीम बनाएं और उसमें आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट के होने चाहिए जो एक सर्वे करें। बेसिकली ये सर्वे हो रहे होते हैं जिसमें आप इंफ्रास्ट्रक्चर को भी चेक कर रहे होते हैं अपने करंट इकोसिस्टम को विद बजट, right. कि कितने बजट में आपने इसे परफॉर्म करना है और टाइम ट्रैक्स आपको जो ना कंपैटिबिलिटी इंटीग्रेशन का क्या प्रॉमिस करता है और इन प्रॉमिसेस को कैसे कंप्लाई कर रहा होता है एज पर योर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा एक जो बहुत अच्छी बात टाइम ट्रैक्स की है कि इनकी जो भी प्रोजेक्ट की टीम होती है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टीम होती है, उनके सब आईटी के रिसोर्स भी होते हैं। तो जो आईटी के जार्गन्स हैं उनको एक आईटी पर्सनल ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं रादर देन एन एचआर पर्सन और एचआर प्रोफेशनल। तो जो आईटी की इनकी टीम मेंबर होते हैं वो आपकी आईटी के रिसोर्स के साथ बैठ के उन कंपैटिबिलिटी और इंटीग्रेशन को पहले ही डिस्कस कर रहे होते हैं और जहां जहां चैलेंजेस आ सकते हैं उन इश्यूज को पहले ही रिजोल्व करते हैं। देखिए लेट्स से अगर आपकी करंट सर्विस स्पेस इतनी नहीं है और आपको क्लाउड पे स्पेस चाहिए तो उसकी कॉस्ट है और कॉस्ट छोटी मोटी कॉस्ट छोटी बिल्कुल सही है। वो कॉस्ट ऐसी होती है जो अल्टीमेटली कहीं बजट पे जाएगी, कहीं सीएफओ और मैनेजमेंट के अप्रूवल में जाएगी, बॉटम लाइन वेट करेगी, आपकी बॉटम लाइन वेट करेगी। सो उसके लिए आपकी प्लानिंग कितनी अच्छी है और उसको आपने कितनी जल्दी उसको ऑर्डर करके उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लिया है, आपके प्रोजेक्ट के सक्सेस को बहुत हद तक डिफाइन वहीं से किया जा सकता है। क्योंकि ये ऐसे ही है कि आपने पेस बनाई और आपने दीवार खड़ी कर दी, आपने बेस नहीं बनाई और दीवार खड़ी, वो दीवार गिरेगी। बेस इज द मेन। सो इंटीग्रेशन और कंपैटिबिलिटी का काम वहां से स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो डेटा सिक्योरिटी बड़ा इंपॉर्टेंट ये रहता है। आप जिस भी वेंडर से परचेसिंग करें, जिस भी वेंडर के पास जाएं, उसके जो फीचर्स हैं उसमें डेटा प्रोटेक्शन के फीचर्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, वो कितना अच्छा डेटा प्रोटेक्शन की सपोर्ट दे रहा है कि आपका वो डेटा जो बहुत ही यू नो एचआर का जो डेटा होता है जिसमें कॉम्पनसेशन और बाकी चीज़ें भी होती हैं वो वल्नरेबल टू साइबर अटैक्स होता है। आप देखते हो अगर ऑर्गेनाइजेशन पे अक्सर साइबर अटैक होते हैं जिसमें पूरे का पूरा उनका सर्वर चला जाता है या सिस्टम का डेटा निकल जाता है और आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है। तो प्रोटेक्शन ऑफ डेटा सिक्योरिटी और उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि यू नीड टू बी इन द अंडरस्टैंडिंग कि कहीं किसी स्टेज पे किसी एचआर टेक्नोलॉजी रिलेटेड पर्सन की मेंटोरशिप है या हेल्प की अगर आपको जरूरत पड़े यू शुड हैव दैट बैकअप अवेलेबल। सो उसके बाद यानी कि कंपैटिबिलिटी इंटीग्रेशन डेटा की तो आपने बात कर ली, इम्प्लीमेंटेशन की क्या चैलेंजेस हैं और जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने टाइम ट्रैक्स को ऑन बोर्ड किया होगा, आपने क्या चैलेंजेस फेस किए और चैलेंजेस थे उसको कैसे रिजॉल्व किया और टाइम ट्रैक्स की क्या ऐसी सर्विस कैपेबिलिटी थी जिन्होंने आपको उन चैलेंजेस से बिल्कुल आजाद रखा और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया। अच्छा सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जो हमारा करंट एग्जिस्टिंग सिस्टम था उसको जब हमने माइग्रेट करना था सिस्टम पे तो करंट सिस्टम के जो फॉर्मेट्स थे उनको कन्वर्ट करना उन फॉर्मेट्स में विच आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दैट एक्सरसाइज। राइट और वो अच्छा खासी यू नो डेटा था जिसको हमने कुछ सर्टेन फॉर्मेट्स में ला के फिर उसको अपलोड करवाना था। right. वो एक डेटा एंट्री का काफ़ी बड़ा चैलेंज था जिसमें ऑब्वियसली हमें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ा एंड दैट वॉज रिक्वायरमेंट बिकॉज जैसे मैंने बताया ई पर्सनल आपका स्टार्ट ही डेटा बेस से होता है तो वो डेटा बेस अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेट बनाना और उसमें फॉर्मेटिंग की हेल्प इनकी तरफ से हमें काफ़ी अच्छी मिली थी। तो उसका एक इम्पैक्ट ये हुआ कि हमारी जो मेंटल डेक्सटेरिटी थी वो कम हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव लोड हमारा कम हो गया, टाइम बहुत हद तक सेव हुआ बिकॉज हम बहुत शॉर्ट डेडलाइंस में काम कर रहे हैं। जब आप सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करते हैं तो पेरोल के साइकिल से पहले पहले आपने लाइव अगर जाना है तो आपको वो सारा डेटा अरेंज करना है अदरवाइज आपका पेरोल का साइकिल मिस हो जाता है।
तो ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, बट इन सबको ध्यान में रखते हुए बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में आपने इम्प्लीमेंटेशन पे लेके जाना होता है, तो सो दिस रिक्वायर अ लॉट ऑफ इफर्ट्स एंड नो डाउट 100% सपोर्ट फ्रॉम द वेंडर्स। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हाट आर द फ्यूचर ट्रेंड्स, इन व्हाट वेज डू यू इनविजन दीज डिजिटल एचआर टूल्स इवॉल्विंग इन द फ्यूचर? इस तरह के बहुत सारे और टूल्स हैं, टाइम ट्रैक्स भी टूल्स नए नए जनरेट कर रहे हैं। इनकी सबसे अच्छी बात है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत स्पेंड करते हैं और रोजाना नया कुछ करते हैं, और मैं समझता हूँ ये नादिर साहब को क्रेडिट जाता है। और जब मैं लास्ट टाइम मिला तो एक होता है ना, कहते हैं कि रॉकेट ऊपर क्यों जाता है, तो कहते हैं कि उसके अंदर एक आग लगी होती है। सो मैं समझता हूँ नादिर साहब को बहुत एक आग लगी हुई है कि बस आगे बढ़ना है, और टीम में भी वही मोटिवेशन नजर आता है। You know, that fire is very much required. Yes, it's very much required. So what are the future trends you predict कि टाइम ट्रैक्स आपको ऑफर करेंगे, और उससे आपकी एचआर की प्रैक्टिसेस, एचआर की ऑपरेशंस और एचआर की ऑपरेशनल एक्सीलेंस मजीद इम्प्रोवाइज होगी, और कैसे होगी, इस पर हम बात करते हैं एंड ऑफ द शो। आई बिलीव अभी रिसेंट फ्यूचर में जो सबसे बड़ा चैलेंज ऑर्गेनाइजेशन फेस करने वाली है, पर्टिकुलरली अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, तो इंडस्ट्रीज ने अभी एक बड़ा सीरियस किस्म का हॉल्ट देखा विद दिस इकोनॉमिक सिचुएशन। इंडस्ट्रीज ने बड़ा सीरियस हॉल्ट देखा, और उस हॉल्ट में हमारे जो भी फाइनेंशियल फैक्टर्स रहे उसमें ब्रेन ड्रेन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसका इम्पैक्ट हमें अभी समझ नहीं आ रहा, बिकॉज वी आर इन द मिडल ऑफ द स्टॉर्म ना। जब हम इस स्टॉर्म से निकलेंगे तो हम देखेंगे क्या क्या बचा और क्या गया। हमारा जबरदस्त टैलेंट चला गया तो आप किस टाइम पर्टिकुलरली आईटी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का और टेक्निकल फील्ड्स का चैलेंज तो चला गया। सो जब हम इस तूफान से बाहर निकलेंगे तो हमें पता चलेगा क्या क्या डैमेज किया है। उस वक्त जब हम हायरिंग की तरफ जाएंगे तो वहां टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स हमें कितने मिलते हैं, किस तरह से है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सीरियसली इंपैक्ट करने वाला है एचआर के काम को। ओवरऑल मेरे ख्याल में बहुत सारी जगहों पर बहुत सीरियस किस्म की रिपीटेटिव जॉब्स है, सबको खा जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। और AI ने एचआर में तो बिल्कुल चेंज करने वाला है, बिकॉज देखें आप जो काम रिज्यूम राइटिंग या रिज्यूम स्क्रीनिंग के लिए आप एक रिसोर्स से करवाते थे, अब वो सिस्टम करेगा। scroll.com था या मेरा score.com था, CV डाले उसके अंदर, वो उसके तक 25 एट्रीब्यूट्स को उठा के और वो आपको शॉर्टलिस्ट कर देगा। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू चेंज द फेस ऑफ हायरिंग। जॉब आधी खत्म, वो आपका वही इंटरव्यू प्रोसेस ही रहेगा। और आपको एक आइडिया होगा कि आजकल ऐसा होता है, बैंक से जो कॉल आते हैं, सलाम अलैकुम, आपको बैंक से कॉल की जा रही है, आपकी जो सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड करें उसको आप 1, 2, 3, 4 रेट कर दें, तो जो कॉल जाती है वो भी इस तरह से आपका कहीं 9 बजे 9:30 तक भी आप यहाँ पहुँच जाएगा। यही कौन बहुत जी बिल्कुल आप पता ना, न्यूज एंकर सब तो बहुत सारे जो इंटरनेशनल मीडिया है उन्होंने तो न्यूज एंकर जो है वो रोबोट रखी है, दे आर नॉट ह्यूमन बीइंग। आपका जो मेरे साथ पॉडकास्ट हुआ है, बहुत सीरियस किस्म के चेंज आने वाले हैं जो आप जॉब की और एम्प्लॉयमेंट की टाइप्स को चेंज करने वाला वर्क एचआर रहेगा, लेकिन एचआर को AI बनना पड़ेगा, पता पड़ेगा, ये उनकी मजबूरी। दैट्स आई मीन नो डाउट अबाउट, ये होने वाला है और ये इट्स अराउंड द कॉर्नर, ऐसा नहीं कि बहुत दूर की बात है, इट्स अराउंड द कॉर्नर। और मुझे लगता है कि टाइम ट्रैक्स भी इसमें हिस्सा ना हिस्सा डालना चाहिए टाइम ट्रैक्स को, बिकॉज जितने कॉम्पिटिटिव ये हैं आई एम श्योर ये कुछ ना कुछ डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, लेकिन नादिर साहब का एक पॉडकास्ट मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। उस पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि द फ्यूचर टेक्नोलॉजी इज द न्यू नॉर्मल एंड द टाइम ट्रैक्स विल मेक द न्यू नॉर्मल। Made in Pakistan for Made for Pakistan. Good. Any last comment about the time tracks, about their team, about their brand, then we end it. Nadir sahab se meri jab bhi mulaqat hui, very kind to me, bahut acche ek professional hain aur digital revolution jis tarah wo lekar aaye hain Pakistan mein, no doubt about it ki unhone he has really made a ding into the market. Wo ding create kiya hai, wo buzz create kiya hai, to obviously he has some substances. Right. टेक्नोलॉजी में नो डाउट दे आर डूइंग मार्वेलस, आई विश देम ऑल द बेस्ट कि इसको और फर्दर कंटिन्यू करें। टीम इनकी हमेशा से सपोर्टिव रही है, सो मेरे ख्याल में टाइम ट्रैक्स जिस तेजी के साथ ऊपर जा रहा है दे आर बाउंड टू सक्सेस। राइट, एब्सोल्युटली ब्रो, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर द अमेजिंग नॉलेज। और जैसे मैंने आपको कहा कि आप मेरे लिए क्या है, मैं आपको जैसे डिफाइन कर रहा हूँ दोबारा डिफाइन करूंगा, you are a KSA for the HR fraternity. Thank you. The K for the knowledge, S for skills, A for ability.
आप अपने नाम का ना शॉर्टकट निकालें, व्हाट इज द शॉर्टकट? इट्स जीके, जनरल नॉलेज. जनरल, सो अमेजिंग जनरल नॉलेज विद गजराला कमल. Outstanding podcast. I've done a lot of podcasts. I'll share you other HR podcasts as well. But I rate your podcast one of the most outclass with the knowledge. Thank you very much. Thank you. In the Rajit Kumar Show, Dive and Tech powered by Time Tracks. जिससे आप हम लोग सब मुस्तफीद हुए और आपके टाइम देने का बहुत. Thank you. I'm sure इससे बहुत सारे लोग बहुत कुछ सीखेंगे. Thank you. Thank you very much. God bless. मिलते हैं. Tune in Tech powered by Time Tracks के अगले podcast में एक नए guest के साथ. Thank you very much. God bless you.